नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। बिहार से दो नए चेहरे केंद्र में मंत्री पद पा चुके हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के भाई हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं। भले ही संबंध अभी चाचा भतीजा के ठीक ना हो, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है, मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, उससे नीतीश कुमार क्या ठगा गए हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, हालांकि बातें 2019 में भी हुई थी, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने कहा था कि सिंबॉलिक रूप से प्रेजेंस हमें नहीं चाहिए कैबिनेट के भीतर, लेकिन बातें रुक गई थी। उसके बाद भी अचानक से जब केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हुआ, नामों की चर्चा होने लगी, आरसीपी सिंह का नाम सबसे आगे था और हुआ भी वही, आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए। विपक्षी खेमा तो खैर सवाल पूछेगा ही, क्या कुछ विपक्षी खेमा सवाल पूछ रहा है, जरा सुनिए। आज भी 2019 वाली स्थिति है, फिर जेडीयू कैसे आज मंत्रिमंडल में शामिल हो गई? एक ही मंत्री पद उनको दिया गया, 2019 में भी दिया जा रहा था। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हमें सांकेतिक रूप से नहीं चाहिए, जितना हिस्सेदारी बीजेपी को मिला है, उनके 17 एमपी हैं बिहार से, उतना जेडीयू को भी चाहिए मंत्री परिषद में जगह, क्योंकि 16 एमपी जेडीयू के पास है। दिन भर चर्चाएं हो रही थी कि चार चार लोगों को जगह मिलेगी। अब ये बता रहा है कि फिर से एक बार पलटी मार दी और अपने कहे हुए बातों से यू टर्न ले लिया गया। ये जेडीयू की पलटी मार राजनीति का उदाहरण है। और किस तरह से एक ही मंत्री पद दिया गया, उसमें भी फिर वही जातिवाद, उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में जिस तरह से शामिल जेडीयू हुई है, ये इस बात को बता रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी के सामने जेडीयू पूरी तरह से नतमस्तक है और जेडीयू अपनी सरकार में, यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं, इसीलिए जो भी मिला उसमें आज ये शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेषाधिकार में आता है। उन्होंने आज कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है। इस नई कैबिनेट में युवाओं को, महिलाओं को, प्रोफेशनल्स और ब्यूरोक्रेट रहे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। यह बेहद स्वागत योग्य कदम है। इस केंद्रीय कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी सिंह जी भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। हम अपनी ओर से और पूरे बिहार के लोगों की ओर से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। उनका एक लंबा सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन का अनुभव रहा है, जिसका निश्चित रूप से पूरे देश को लाभ मिलेगा, खासकर बिहार को भी लाभ मिलेगा। लेकिन विपक्ष के लोग इस पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। अरे भैया, आप लोग तो ना 3 में है ना 13 में। बिहार के विकास, देश के विकास से अगर आपको मतलब होता तो आप लोग नकारात्मक राजनीति इस तरह से नहीं करते हैं। बिहार की जनता, देश की जनता आपके असली चेहरे को पहचानती है। कहां तो आप लोगों को भी इस कैबिनेट एक्सपेंशन का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन आप लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। तो विपक्षी खेमा का सवाल और सत्ता पक्ष की ओर से क्या आया जवाब, ये तो हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन आप खुद विचार कीजिए। बड़े बड़े दिग्गज चेहरे को पीछे लिया गया है, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, बाबुल सुप्रियो, तमाम केंद्रीय मंत्रियों को पीछे ले लिया गया है। अश्विनी चौबे की भी चर्चा हुई थी, लेकिन फिर बाद में खबर जो है वो महज अफवाह निकली। लेकिन आप समझ सकते हैं, 2019 में भी सिर्फ एक सीट जेडीयू के पास जा रही थी, 2021 में भी सिर्फ एक सीट जेडीयू के पास गई है। आप समझ सकते हैं बयानबाजियां बहुत सारी हो रही हैं। अभी विपक्षी खेमा और कुछ कहेगा, लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष का कहना है, कल देर रात को आरसीपी सिंह भी जब मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने कहा कि हम सभी एक साथ हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिली है और अब उम्मीद है बिहार के विकास के लिए, जैसे नीतीश कुमार किया करते थे, जैसे लालू यादव किया करते थे, वैसे ही पशुपति कुमार पारस और आरसीपी सिंह भी उससे बढ़ चढ़ कर बहुत कुछ करेंगे, ताकि बिहार को काफ़ी कुछ मिल सके, बिहार के लोगों को उससे लाभ हो सके। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बयानबाजियाँ तो होती रहेंगी, ज़बानें तीर चलते रहेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। हमारा काम है हर खबर को आप तक सबसे पहले पहुँचाना। लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।